Good morning guys, welcome to Race of Rajasthan for this the Hindu editorial analysis. आज 14th of August मैं हूँ रामन विश्नोई. स्टार्ट करते हैं सेशन को. सेशन की PDF raceofrajasthan.com वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा फेसबुक पेज है और ये ट्विटर हैंडल है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का एजेंडा क्या है, एजेंडा के अंदर क्या डिस्कशन करने वाला है. तो सबसे पहले लास्ट सेशन के क्वेश्चन हम लेंगे, उसके बाद जो है आज का एडिटोरियल हम लेंगे. आज के एडिटोरियल के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आए हैं उनको हमने सेलेक्ट किया है और बाकी को जो है स्ट्रकडाउन किया उनको हम देखेंगे सबसे पहले. और फाइनली जो फैक्ट फाइल के अंदर जो है मॉडर्न हिस्ट्री से हम इल्बर्ट बिल को लेकर आए. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक आप ये कह सकते हो कि एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ये एक टर्निंग पॉइंट था. वो कैसे टर्निंग पॉइंट बना और ये किस वजह से इंपॉर्टेंट है और क्यों इसके बारे में इतना डिस्कशन होता है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट जो है डिटेल लेकर आएंगे, कंप्लीट जो है डिस्कशन करेंगे. और चूँकि जो इवेंट्स होते हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, वो डेफिनेटली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बट कुछ इवेंट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको जो है इंडिपेंडेंटली उन इवेंट्स का पता होना चाहिए. तो उन्हीं में से ये इवेंट जो है इल्बर्ट विल एक ऐसा इवेंट है, तो इंडिपेंडेंटली इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. और फाइनली हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पल्लव आर्किटेक्चर. ठीक है, अब पल्लव आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है और कल हमने क्या बात करी थी, कल फैक्ट फाइल के अंदर बात करी थी हमने महाबलीपुरम टेंपल कॉम्प्लेक्स की. और महाबलीपुरम के अंदर खासकर हमने जो शोर टेंपल उनकी हमने बात करी थी और जो मोनोलिथिक टेंपल्स है रथ टेंपल उनकी हमने डिटेल के अंदर बात करी थी, उनके फोटोज देखे थे कि उनको किन्होंने बनाया और क्या उनकी स्टाइल है, तो ये हमने देखा था. तो इस चार स्टेटमेंट है, पल्लव आर्ट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ अमरावती आर्ट. During Pallava rule, temples were mainly rock cut and the structural temple were absent. Most of the Pallava ruler were devotees of Vishnu and there is a marked Buddhist influence in Pallava temples. ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट जो है ना ये इसके करेक्ट है. ये अगर आप इसके बारे में पल्लव आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल के अंदर आप पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको सारी डिटेल कंप्लीटली डिटेल आपको मिल जाएगी. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर आर ट्रू. अब यहाँ पे कल हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको पता होगा कि बैगिंग के बारे में कल एक आर्टिकल आया था और उसके बारे में हमने बात करी थी और उससे जुड़ा हुआ जो फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 23 के अंदर जिसकी बात होती है, जिसके अंदर फोर्स्ड लेबर है उसके ऊपर उसको जो है बंद करने के लिए बात होती है और उसको जो है इल्लीगल माना गया है. तो बेगर मींस कंपेलिंग ए पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल. ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ कंपेलिंग ए पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल, ये एग्जांपल हुआ फोर्स लेबर का, ये बेगर का मीनिंग नहीं हुआ. ठीक है, तो ये गलत है. आर्टिकल 24 डील्स विद ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, तो ये भी गलत है. ये आर्टिकल 23 जो है वो डील करता है फोर्स लेबर एंड ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, जो है आर्टिकल 23 के अंदर जो है फंडामेंटल राइट है कि इसके अगेंस्ट वो एग्रीव्ड पर्सन डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर अपनी रिट जो है वो याचिका दायर कर सकता है. तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, डी. जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है डेफिनेटली हिस्ट्री का क्वेश्चन है और हिस्ट्री से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं. इसी टाइप के क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आपको जो है आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट होगा, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट अगर पुराने पेपर आप उठा के देखोगे तो आपको इसी टाइप के पेपर देखेंगे. वो फीचर आपसे पूछेंगे कि क्या फीचर है इस पर्टिकुलर स्टाइल का. तो यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन दिया है कि एग्जामिन द साइलेंट फीचर्स ऑफ शोर टेम्पल लोकेटेड एट महाबलीपुरम. ठीक है, तो यहाँ पे दो आंसर हमने लिए हैं, दोनों शानदार आंसर है और दोनों के अंदर कंप्लीट डिटेल है. तो ये पूरी डिटेल आप कैरी करना, इन दोनों आंसर को आप पढ़ना. शोर टेम्पल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपकी यहाँ पे छूटेगी नहीं. तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं हाईलाइट करता हूँ, कुछ चीजों को यहाँ पे रीड आउट करता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तो जो है इन्होंने स्टार्ट किया कि ये कहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है, तो ये हमने कल देख लिया था कहाँ कब डेवलप हुए, 7th century शोर टेम्पल डेफिसाइट्स द रॉयल टेस्ट ऑफ पल्लव डायनेस्टी ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजसिंहम. द टेम्पल सॉ इट्स कंस्ट्रक्शन व्हेन पल्लव आर्ट्स वाज एट इट एपेक्स रेवेस्ड बाय विंड एंड सी. द टेम्पल्स हैज विटनेस द हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ इंडिया एंड दिस वर्क ऑफ जीनियस वॉज रिकॉग्नाइज एंड लिस्टेड अमंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को. ठीक है, तो ये लाइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं कहूँगा कि इस आंसर की खास बात मुझे ये बात लगी कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन्स जो है
आप ये कह सकते हो कि जो सेंटेंस है इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, और इससे जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो डेफिनेटली आप ये भी ध्यान रखिए कि जब आप सेंटेंस डेवलप करते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जो भी लाइन आप बनाते हैं वो लाइन जो है वो रिच होनी चाहिए। उसके अंदर जो है ना आप इंफॉर्मेशन जो कैरी करवाना चाहते हैं वो बड़े ही सिंपल शब्दों के अंदर वो इंफॉर्मेशन कैरी होनी चाहिए। सो टेम्पल्स कॉम्प्राइजेस 3 श्राइन वेयर द प्रोमिनेंट वन आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु। ठीक है, तो लॉर्ड हमने एमसीक्यू के अंदर देखा था कि लॉर्ड विष्णु की जो है वो ज़्यादातर है। इन द गर्भगृह एन इमेज ऑफ शिवलिंगा एम्ब्रेस्ड द साइट एट द रियर एंड वन कैन फाइंड द 2 श्राइन फेसिंग ईच अदर। हियर वन श्राइन इज डेडिकेटेड टू एंड अदर टू लॉर्ड विष्णु। इन द श्राइन लॉर्ड विष्णु इज इमेज रिक्लाइनिंग ऑन द शेष नाग विच इज ए सिंबल ऑफ कॉन्शियसनेस इन हिंदुइज्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे फैक्ट है कि ये टेम्पल्स क्या वहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे और सो टेम्पल इज नो मोर ए लिविंग टेम्पल। दैट स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल मेक वन टू कॉन्टेम्पलेट एंड परहैप्स इट वॉज इरेक्टेड बेसिकली एज ए वर्क ऑफ आर्ट। द पल्लव वर नोन टू बी द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड वर कीन टू क्रिएट देयर ओन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि मोनोलिथिक मोनोलिथिक रॉक रॉक रॉक्स को काट के इन्होंने जो है इस तरीके के टेम्पल्स बनाए थे जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शो टेम्पल इज ऑल्सो एक्नॉलेज फॉर द बींग द फर्स्ट स्टोन स्ट्रक्चर मेड बाई पल्लवास। बिफोर दिस द मॉन्यूमेंट यूज टू बी कार्व्ड आउट ऑफ रॉक्स और स्टोन्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद पर्स्ड ऑन 50 फीट स्क्वायर प्लिंथ द पिरामिडिकल स्ट्रक्चर रेजेस टू द एक्सटेंट ऑफ 60 फीट एंड प्रेजेंटिंग ए टिपिकल स्पेसिमेन ऑफ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे ये कंप्लीट डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो कि महाबलीपुरम जो टेम्पल्स है शो टेम्पल उनके बारे में। नेक्स्ट जो है हिंदी का आंसर देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो है डेफिनेटली जो महाबलीपुरम का जो इतिहास है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एक बार गो थ्रू कर लें कि यहाँ पे कौन कौन जो लोग है हिस्ट्री के अंदर जो है ना, हिस्ट्री के अंदर एक तो क्या होता है इवेंट्स होता है। अब इवेंट्स के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो इवेंट्स का टाइमिंग मीन्स क्रोनोलॉजी और पर्संस इन्वॉल्व इन दैट दोज इवेंट्स। ठीक है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए जो है हिस्ट्री ज़्यादातर टफ लगती है क्योंकि आपको जो है इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि टाइमिंग क्या है और जो लोग हैं वो कौन कौन इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो इवेंट्स को आप क्या करो इनको जो एक एक सिग्निफिकेंट तौर पर कि किस तरीके से उस इवेंट का सिग्निफिकेंस क्या था और उसके एट्रीब्यूट्स क्या थे तो वो आप ध्यान रखेंगे तो ये टाइमिंग एज वेल एज जो पर्सन है वो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। तो यहाँ पे जो है खास बात क्या है, ये स्मारक जो महाबलीपुरम में पाए जाते हैं उन्हें पत्थर के खंभों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसके अंदर जो महाबलीपुरम के प्रमुख स्मारकों में क्या है 5 रथ जो है शोर मंदिर है और पहाड़ी की ओर गुफा है, घड़ी टावर और बाघ गुफा जो है। इसके अंदर 5 रथ जो है जिसके अंदर हमने देखा था कि धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ, ये टोटल 5 है। ठीक है, नकुल सहदेव रथ एक ही है, यहाँ पे ये अलग अलग नहीं है, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, शोर मंदिर जो है इसके अंदर गुंबद के साथ मंदिर में भगवान विष्णु और शिव की मूर्तियां सजी है। ये खूबसूरत मंदिर हवा और समुद्र से तबाह हुए यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज जो इनको घोषित किया गया है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और बाकी जो है वहाँ पे और क्या एट्रीब्यूट्स है और क्या स्पेसिमेंस है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे जो कंप्लीट डिटेल है वो आप यहाँ से कैरी कर लेना। और शोर टेम्पल्स की जो फीचर्स है वो फीचर्स आप यहाँ पे फीचर्स के अंदर थोड़ा एड ऑन के अंदर यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप लिख सकते हो कि ये जो है रॉक कट बनाए गए हैं और टॉप टू बॉटम जो है इनकी अप्रोच रही है टॉप टू बॉटम। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जो पल्लव पल्लव पल्लवास के पास में जो उस टाइम जो एलिफेंट्स हुआ करते थे तो उनका इन्होंने यूज़ करके ये जो बाउल्डर्स है रॉक्स के बाउल्डर्स है वो यहाँ पे लेके आए हैं जो कि ओरिजिनली वहाँ पे पाए नहीं जाते हैं। तो ये इस तरीके की जो कुछ इन्फॉर्मेशन है आप और एड ऑन करके इसके अंदर इस आंसर को जो है और अच्छा सुंदर बना सकते हो। नेक्स्ट आज के एडिटोरियल में क्या बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट आज का आर्टिकल जो है वो ये बन जाता है, रंगराजन साहब ने लिखा है। तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर अभी चल रही है, जो इकोनॉमिक सिनारियो है इसके ऊपर कम्प्लीट डिटेल के अंदर बात करेंगे। और खास खास बात पे जब इकोनॉमी की बात होती है तो इकोनॉमी के अंदर हमेशा जो ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि ट्रेंड से आपको जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी डायरेक्शन पता चलती है।
इसके बारे में डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स है और क्या क्या इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है उनके बारे में डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर बात हुई है कि आपको पता होगा रिसेंटली जो सिविल जो सर्वेंट की जो यूजुअल पोस्ट थी, सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट थी, उन पोस्ट पे जो है लेटरल एंट्री के थ्रू जो कैंडिडेट्स का जो है वो लिया जा रहा है, तो उसके ऊपर बात हो रही है। तो उसके ऊपर एक थोड़ा मिसकंसेप्शन ऑलरेडी डेवलप हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे हटा दूँ, बाकी इस आर्टिकल को हम कैरी नहीं करेंगे। मिसकंसेप्शन ये है कि जो है लार्ज स्केल पे न्यूज़ पे आपने आपने देखा होगा कि जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो वहाँ पे बातें हो रही थी कि कैसे बने IAS जो विदाउट UPSC फाइट किए हुए, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है ना, ये एक गलत मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करी जा रही है। ये जो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है ना, तो इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको थोड़ा इसके अंदर समझना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली ये पोस्ट ओपन करी गई है जो स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि ऑलरेडी अच्छे लेवल पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर या फिर किसी और सेक्टर के अंदर अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भागीदारी देने के लिए ये एक तरीके का जो है एक वे आउट क्रिएट किया गया है। वो ना तो परमानेंट तौर पे सिविल सर्विसेज के अंदर आएंगे, उन बंदों को जो है सिविल सर्वेंट नहीं का, उनको जो है फॉर ए टाइमिंग आप ये कह सकते हो कि एक जो है फॉर ए कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के लिए उनको जो है रिक्रूट किया जाएगा, और उसके बाद में उनका जो है वो टेन्योर खत्म होने के बाद में उनको वहाँ से विदा कर दिया जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि वो एक्चुअल में सिविल सर्विसेज के अंदर वो उनका जो है डायरेक्ट रोल नहीं होगा, जो जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम कहते हैं, जो सिविल सर्वेंट को जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, वो जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होके वो स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर को जो है इसके अंदर पार्टिसिपेशन के अंदर, तो खासकर पॉलिसी मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन को लेके यहाँ पे इस मिनिस्ट्री में लाने की यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है। तो ये मिसकंसेप्शन आपको यहाँ पे हटा लेना है कि UPSC के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है, UPSC या स्टेट PSC के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है सिविल सर्विसेज में जाने का, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। नेक्स्ट यहाँ से हम बात करेंगे, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर एक बात हुई है ई सिगरेट को लेके, चूंकि इंडिया के अंदर हम अभी पॉलिसी मेकिंग को लेके इसके ऊपर डिबेट चल रही है, तो इसके ऊपर जो हम बात करेंगे कि बेसिकली क्या होती है और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और इसको लेके पॉलिसीज जो है वो क्या पॉलिसीज हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे बात इस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एक काफ़ी अच्छी बात हुई है, चूंकि ये एक रिसर्च आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसके अंदर ज़्यादातर तो वैसे टेक्निकल बात हुई है, बट इसके अंदर आर्सेनिक कंटामिनेशन और आर्सेनिक पॉइजनिंग को लेके बात होती है, आर्सेनिक पॉइजनिंग को लेके बात हो रही है। तो इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट बताया कि आर्सेनिक हमेशा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, तो उसके बारे में हम लेके इसको डिस्कशन करेंगे। ये आर्टिकल यहाँ पे आया है, वैसे तो जो है इसको हमें कैरी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बात हो रही है कास्ट की और कास्ट कॉनंड्रम की बात हो रही है कि इंडिया के अंदर जो है कास्ट का फीचर क्या है, बट ये जो इसके अंदर जो ऑथर ने लार्जली जो है इसका फोकस पॉलिटिकली मोटिवेटेड रखा है, तो इसको हम स्ट्रक डाउन करते हैं। इसको आप टाइम मिले तो एक बार रीड आउट कर लेना, इसके अंदर ज़्यादा वैसे इन्फॉर्मेशन कैरी करने लायक है नहीं। अब सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारे काम के आर्टिकल की बात करते हैं, ठीक है, इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की यहाँ पे बात हो रही है, और जो ट्रेंड है अभी, जो करंट ट्रेंड अभी जो चल रहे हैं इंडिया के इकोनॉमिक प्रोफाइल के अंदर, उन करंट ट्रेंड्स की जो है बात हो रही है, उनको डिटेल के अंदर यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले जो है सेक्टर वाइज इन ट्रेंड्स को हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या ट्रेंड यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जब भी जो सेक्टर वाइज ट्रेंड की बात होती है, तो इंडिया के अंदर जो है ना आपको पता होगा कि लार्ज स्केल पे जो तीन सेक्टर जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात होती है सर्विस सेक्टर की, उसके बाद बात होती है मैन्युफैक्चरिंग की, और उसके साथ में हमेशा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की बात होती है। अब GDP के अंदर हो सकता है कि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं हो, बट यहाँ पे जो है अगर देखा जाए एम्प्लॉयमेंट के अंदर, हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि GDP के अंदर एग्रीकल्चर का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा नहीं है, बट फिर भी इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, चूंकि GDP के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, बट उसके बावजूद जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से होती है, और मोर देन 50% जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है
वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, तो इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जो है ट्रेंड की जब भी बात होती है तो प्रीवियस ईयर से या फिर बेस ईयर से ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है, ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट किया जाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है कैसे स्टडी किया जाता है उसको हम देखते हैं। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ में एट बेस्ट बी इक्वल टू द व्हाट इट वाज लेटर लास्ट ईयर, दैट इज 3.4%। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी लार्जली किस पे डिपेंडेंट होती है, मानसून पे, ठीक है। अब मानसून का जो है मानसून चूंकि आपको पता है कि मानसून एक रिदमिक रिदमिक नेचर का जो एक्टिविटी है तो इसका भरोसा नहीं है, इसका बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब मानसून का भरोसा नहीं है तो मानसून का जो है प्रिडिक्शन आप कर सकते हो और प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग जो है सोइंग पैटर्न को आप एनालाइज कर सकते हो, बट इसका आपके पास कोई वे आउट नहीं है क्योंकि जो 70% मोर देन 70% जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो मानसून डिपेंडेंट है। इंडिया के अंदर मोर देन 70% एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानसून डिपेंडेंट है। अब ये जो है ना काफी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट हो गया कि एक तो जो है आप इस बार का जो मानसून है वो ये कह सकते हो कि अनस्टेबल नेचर का मानसून नजर आ रहा है, और इसके अंदर खासकर अभी अभी तक के जो डेटा मिले हैं उसके अंदर ओवरऑल जो जो मानसून है वो कहा जा रहा है कि एवरेज से कम रहेगा, एवरेज से कम रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा ध्यान रखिए कि मानसून जो है मानसून अगर प्रिडिक्शन करी जाती है कि मानसून नॉर्मल रहेगा तो उसके अंदर नॉर्मल रहने का मतलब क्या हो गया, वो क्या करते हैं वो प्रीवियस 10 ईयर्स के जो डेटा है प्रीवियस 10 ईयर्स का एवरेज लेके उसका जो प्लस माइनस कितना परसेंट, प्लस माइनस आई थिंक 2% जो है उसका कैलकुलेट करते हैं वो उसका उसको ये एवरेज लेके चलते हैं कि ये एवरेज हो गया, अगर इससे बाहर गया तो ज़्यादा और इससे कम गया तो बिलो एवरेज इसको माना जाता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नॉर्मल से मानसून जो है वो कम रहेगा और उसके बावजूद जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर ये कहा है कि एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो 3.4% है। अब लास्ट जो लास्ट बजट के अंदर यहाँ पे डिटेल के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की जो है इसको इम्प्रूव करने की यहाँ पे बात हुई थी, लार्ज स्केल पे यहाँ पे अनाउंसमेंट हुए थे और फार्मर्स की इनकम जो है बढ़ाने की यहाँ पे बात हो रही थी जो कि यहाँ पे इस डेटा को देख के यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। सेकंड यहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में परफॉर्म बेटर बिकॉज पब्लिक एक्सपेंडिचर विल बी मेंटेन्ड एट हाई लेवल। अब सर्विस सेक्टर जो है ना वो लार्जली किस पे डिपेंडेंट होता है, वो लार्जली डिपेंडेंट होता है कि जो जो पब्लिक सेक्टर जो जो पब्लिक का एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर कितना होगा। अब एक्सपेंडिचर के अंदर ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि चूंकि 7th पे कमीशन यहाँ पे लागू कर दिया गया और जो ऑन एन एवरेज जो है जो पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है तो उस वजह से हम मान रहे हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इम्प्रूव हो रहा है और पब्लिक एक्सपेंडिचर इम्प्रूव होने की वजह से जो सर्विसेज का कंजप्शन है वो बढ़ेगा और सर्विस सेक्टर का जो है वो परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये यहाँ पे एक जो है ब्राइट साइड आप ऑफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप ये कह सकते हो। IIP शोज ए अपवर्ड मूवमेंट जिसके अंदर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जिसके अंदर जो सेक्टर सेक्टर वाइज जिसके अंदर आप माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इनकी जो एक्टिविटी है वो IIP के थ्रू इंडेक्स के द्वारा यहाँ पे पता चलती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फोरकास्ट ग्रोथ रेट ऑफ 7.3%, GDP ग्रोथ रेट जो है वो IMF ने प्रिडिक्ट किया है और RBI ने जो है एक्सपेक्टेशन RBI की एक्सपेक्टेशन 7.4% है और लास्ट क्वार्टर का अभी आप अगर डेटा अगर उठा कर देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के अंदर GDP ग्रोथ रेट 7.7% यहाँ पर रही थी, लास्ट क्वार्टर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, क्वार्टर की। और ओवरऑल जो है पूरे फिस्कल ईयर की यहाँ पे RBI का एक्सपेक्टेशन ये है और IMF का एक्सपेक्टेशन ये है। तो ये होलिस्टिकली हमारे दिमाग में जो है ना ये डेटा हमारे आसपास जो है बिल्कुल दिमाग में फिट होने चाहिए कि ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशन क्या है, हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है। आप देखोगे अगर पुराने पेपर उठा के प्री के पेपर भी उठा के देखोगे तो वहां पे जो है ना ट्रेंड पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा कि जो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड में, या एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूअसली पिछले 10 साल से जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से जो है ये ग्रो कर रहा है या नहीं नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये तो जो है सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन हो गई, अब नेक्स्ट जो है
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या बन रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। और इसी वजह से जो है इंडिया का जो अभी जो आप ये कह सकते हो कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट वाला जो सिचुएशन है और फिस्कल डेफिसिट है वो वाइडन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है पहले तो जो है बात होती है यहाँ पे अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके अंदर पहली तो जो बात होती है वो ट्रेड वार की। ट्रेड वार का जो है वो ट्रेड वार डायरेक्टली इंडिया के साथ में तो नहीं हो रही है, बट यहाँ पे यूएसए और चाइना ट्रेड वार के अंदर इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली इसका जो है आप ये कह सकते हो कि रिपल इफेक्ट इंडिया जैसी इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रेड वार हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कैन गेट वर्स ओवर द टाइम। द यूएस हैज रेज्ड ड्यूटीज ऑन सेवरल प्रोडक्ट सच एज स्टील, एल्यूमिनियम एंड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। देर आर कंट्री स्पेसिफिक सेंक्शंस सच एज दोस अगेंस्ट ईरान। तो पहला तो जो है इसके अंदर ट्रेड वार हो गया, अब दूसरा जो है कंट्री स्पेसिफिक सेंक्शंस जो है वो यूएस ने लगा रखे हैं, यूएस या यूनाइटेड नेशन के कोएलिशन ग्रुप ने। अब यहाँ पे ईरान के अगेंस्ट आपने इस तरीके के सेंक्शन लगा रखे हैं तो इससे इंडिया के ऊपर जो है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट होता है, क्योंकि इंडिया वहाँ से क्रूड ऑयल लार्जली इम्पोर्ट करता है, विच हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन क्रूड ऑयल आउटपुट एंड प्राइसेस। अब प्राइसेस क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब भी बढ़ेगी, स्पाइक अप होगी, तो डेफिनेटली हम जो नेट इम्पोर्टर कंट्री इंडिया जैसे नेट इम्पोर्टर कंट्री का जो है बिल डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ेगा, और बिल बढ़ेगा तो यहाँ पे इसका जो करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। सो इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट वॉज एज लो 0.6% ऑफ जी डी पी इन 16-17। जो 16-17 के फिस्कल स्पेस के अंदर 0.6% था ओनली, इट रोज टू 1.9% ऑफ जीडीपी इन 17-18। दैट इज ओनली ड्यू टू द क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। ठीक है, तो क्रूड ऑयल प्राइस राइज से इतना फर्क पड़ता है क्योंकि जो हमारा जो इंपोर्ट बिल के अंदर 80% जो है वो क्रूड ऑयल का बिल आता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है कि इस तरीके के अनस्टेबल एनवायरमेंट के अंदर हम कैसे इसको जो है ओवर द टाइम इसको कैसे करेंगे। With a rising trade deficit and some outflow of capital, the rupee has depreciated. अब तीसरा फैक्ट ये है कि एक तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और दूसरा जो है आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। आउटफ्लो ऑफ कैपिटल हमने कई बार डिस्कस किया है कि जैसे फॉरेन स्पेस के अंदर इस तरीके की चीज़ें डेवलप होती है। अब कैपिटल आउटफ्लो किस फॉर्म में हो सकता है उसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, FPIs, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये क्या करते हैं, ये अपने जो आप ये कह सकते हो कि ये सिक्योरिटीज या फिर इक्विटी मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं डायरेक्टली। ये बड़ा ही वॉलेटाइल मनी होता है, ये जहाँ पे इनको बॉन्ड्स या इस तरीके के मार्केट के अंदर पैसा लगाएंगे जहाँ पे इनको अच्छा रिटर्न मिलता है उसको यील्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा यील्ड जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे ये पैसा लगाते हैं। अब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अब मार्केट अट्रैक्टिव, अगर यूएसए के अंदर मार्केट अट्रैक्टिव लगा इनको, वो कि जो कि फेडरल पॉलिसी के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है। अब फेडरल बैंक ने, यूएसए के फेडरल बैंक ने जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ाई तो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज पे यहाँ पे यील्ड बढ़ गया, तो इन्होंने क्या है इंडिया के कैपिटल मार्केट से पैसा उठा के यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया। तो जो आउटफ्लो हुआ वो आउटफ्लो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो है वो इंडियन इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पेक्ट करा। तो ये जो है इससे रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होता है, ये आपको जो है कोरिलेशन यहाँ पे ध्यान में रखना है। और इकोनॉमी को जब भी आप पढ़े ना, हमेशा ध्यान रखें इकोनॉमी को जब भी आप पढ़ें और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को जब भी आप पढ़ें तो कोरिलेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। आपको एक चीज से दूसरी चीज कोरिलेट करनी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम कैपिटल आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, अब कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, कैपिटल आउटफ्लो से जो है वो रूपी कैसे डेप्रिशिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है तो अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो इंडिया के कैपिटल मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, वो डॉलर फॉर्म में पैसा लगा रहे हैं, तो हमारे पास एक फॉरेन करेंसी जो है वो आ रही है और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ओवर द टाइम अगर वो पैसे यहाँ से निकाल के ले जा रहे हैं तो क्या हुआ, जो डॉलर है वो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और किसी करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है, वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू डोमेस्टिक करेंसी जैसे रुपी है, रुपी के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में तो डेफिनेटली इसके परपेक्स में अगर आप देखोगे तो डॉलर के परपेक्स में रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। ये चीज यहाँ पे समझने वाली बात है। द एक्सचेंज रेट्स इज ओनली वन एलिमेंट, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। अब ये जो है वे आउट है कि क्या हमारे पास तरीका हो सकता है जिससे हम जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट को कॉप अप करें। ठीक है, एक तो जो है एक्सचेंज रेट को हम थोड़ा जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आर इक्वली इम्पोर्टेंट।
and maintenance of domestic stability also play a key role. Over the medium term, we need to search for an alternative fuel. ये हमारे जो है वो external जो disturbance है उसको correct करने की ये way out है, जिसके अंदर जो है यहाँ पे एक तो जो है productivity यहाँ पे बढ़ाने की बात हो रही है कि efficiency जो है वो हमारी production के अंदर better होनी चाहिए. दूसरा, better infrastructure जो है वो हमारे पास होना चाहिए. और अल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर हमें देखना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट बिल के अंदर हमारा 80% अगर क्रूड ऑयल का जो बिल अगर आ रहा है, तो हमें डेफिनेटली जो है यहाँ पे देखना चाहिए कि हम अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं. और इसी वजह से हम आपने देखा होगा कि अभी जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, वो बायोफ्यूल पॉलिसी हमने लागू करी है, उसके अंदर लार्ज स्केल पर चेंजेस किया है. इसके अलावा लार्ज स्केल पे अभी आपको देखा होगा कि ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है. और जो अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे सोलर एनर्जी होगी, सोलर के जो है 100 GW टारगेट जो है उसको भी बढ़ाए जाने की बात हो रही है. तो ये टारगेट्स इसी प्रस्पेक्टिव से सेट किया है कि हम जो है एक अल्टरनेटिव फ्यूल जो है हमारा इम्पोर्ट बिल जो है वो कम हो, और इस वजह से जो है हमारा जो एक पॉलिसी मेकिंग का डायरेक्शन है ये है कि हम चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो या फिर ऑटोमोबाइल कंजप्शन हो, उसके अंदर हम एक अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ आगे बढ़ें. अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे बात हो रही है बैंकिंग सेक्टर की, कि बैंकिंग सेक्टर को कैसे रिवाइव करना है. तो इसके अंदर FSR जो है, FSR कौन पब्लिश करता है? RBI पब्लिश करता है. जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो RBI पब्लिश करता है. इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रोज टू 11.6%, दैट इज अप टू मार्च 2018, एंड द रेशियो फॉर PSB दैट इज 15.6%. ये NPA, दिस इज इंडीड ए वेरी हाई लेवल ऑफ NPA. ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें हैं. पहला तो जो है NPA की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसके अंदर इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं कि NPA की जो डेफिनेशन है, RBI ने जो NPA की डेफिनेशन दे रखी है वो बड़ी हार्श है, और इस वजह से जो है जो ग्रॉस NPA का डिक्लेरेशन है वो ज़्यादा होता है. पहली बात तो सम पार्ट ऑफ इंक्रीज इज ऑल्सो ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ मोर रिगरस डेफिनेशन ऑफ NPA, पहली तो ये बात होगी. और दूसरा, द हाई NPA लेवल हैज द डैम्पनिंग इफेक्ट ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यू क्रेडिट. जब NPA डेफिनेटली जब NPA बढ़ेगा किसी बैंक के पास में, जो NPA बढ़ेगा तो उसकी जो है जो क्रेडिट, जो जितना क्रेडिट दे सकता है उसकी क्रेडिट कैपेबिलिटी है, वो क्रेडिट कैपेबिलिटी हैम्पर होगी. और क्रेडिट कैपेबिलिटी हैम्पर होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैंक अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लेके बैठा है, तो एक प्रस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है जहाँ पे जो प्रस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट जहाँ पे बैंक कर सकता था, वो प्रस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो हैम्पर हो रही है. और नेक्स्ट जो है इम्पैक्ट ऑन द फिस्कल स्पेस. फिस्कल स्पेस के अंदर सीधी सी बात होगी कि फिस्कल डेफिसिट की हम बात करेंगे, फिस्कल डेफिसिट की यहाँ पे बात करेंगे. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर द फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल डेफिसिट फॉर द ईयर एज ए होल वॉज 68.7%, ए स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट ऑफ द डेफिसिट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर. ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हो रही है. और फिस्कल डेफिसिट का आपको पता होगा कि फिस्कल डेफिसिट के अंदर जो है लार्ज स्केल पे क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल जो डेफिसिट इसके अंदर इंक्लूडेड होता है. और इसी वजह से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट का आपको पता होगा कि GDP का जो परसेंटेज है वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि इससे ज़्यादा हमें जो है क्रॉस नहीं करना फिस्कल डेफिसिट के अंदर. और दूसरा यहाँ पे इश्यू ये आ रहा है कि जो MSP हमने घोषणा तो कर दी है कि फार्मर की इनकम जो है वो प्रॉफिट जो है वो लागत का मोर देन 50% ये हम इंश्योर करेंगे MSP के थ्रू. अब MSP का जो डिफरेंस है, वो MSP का डिफरेंस मार्केट, आपको पता है कि मार्केट प्राइस और MSP के अंदर अगर बड़ा डिफरेंस रहा, तो गवर्नमेंट का बिल यहाँ पे डेफिनेटली बहुत बड़ा बढ़ने वाला है, और वो बिल का जो है एक्सपेंडिचर है वो अल्टीमेटली एड ऑन करेगा फिस्कल डेफिसिट के अंदर. तो उसको कैसे फिनेंस करेगा गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल देखने वाली बात है, और ये भी चैलेंजिंग इश्यूज हैं. तो यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि इंडिया के अंदर अभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के क्या ट्रेंड्स है और उनके क्या चैलेंजेस है, और आने वाले टाइम के अंदर
क्या पर्सपेक्टिव के अंदर यहाँ पे जो है बातें जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है आपको होलिस्टिकली यहाँ से पूरा ये आर्टिकल कैरी करने लायक है और इसके अंदर शानदार इन्फॉर्मेशन है। एक बार इसको देखना, एक बार इसको जो है एक बार रिवाइज करना, क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही है वो टर्म्स को एक बार देखना। तो थिंक एंड लर्न के अंदर आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स जिसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, IIP एंड MSP, इन टर्म्स के बारे में आप बिल्कुल आप देखोगे, डिटेल के अंदर देखोगे और डिटेल के अंदर इनके बारे में जानकारी लोगे कि ये क्या है और इनसे जुड़े हुए। कभी भी आप देखोगे इकोनॉमी इकोनॉमी आपको बिल्कुल इजी हो जाएगी अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स को आप एक बार समझ लो, एक बार उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद में उन टर्म्स का जो कोरिलेशन है, उनका ट्रेंड है, वो ट्रेंड है एक बार आप कैरी कर लो, तो आपको जो है अलग से इसको पढ़ने की, अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सेक्शन की। ठीक है, तो ये टर्म्स आप बिल्कुल आप इनको एक बार समझें कि क्या इसका मतलब होता है, क्या सिग्निफाई करती है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट अगर मैं कह रहा हूँ करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इसका इस डेटा को मैं कैसे, ये मुझे जो है अगर मैं कह रहा हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए? तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो सीधा सीधा सा मतलब हो गया कि जो है आपकी एक्सपोर्ट एक्टिविटी और इंपोर्ट एक्टिविटी को ये बताता है कि इंडिया जो कंट्री के अंदर जो है कितना पैसा आ रहा है और बाहर कितना पैसा जा रहा है, और वो अगर डेफिसिट है, वो नेगेटिव साइड है, तो इसका मतलब जो है बाहर ज्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता करना है, और जो बाहर डेफिनेटली ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब आपको जो है इसका पे आउट करना पड़ेगा, और पे आउट जो है वो आपके फॉरेक्स से होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, और यही जो है इसी तरीके से आपको पता होगा कि हर पर्टिकुलर डेटा के ऊपर एक थ्रेशोल्ड बनाई जाती है, एक टॉलरेंस लिमिट बनाई जाती है कि इससे ज्यादा ये नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ई सिगरेट की। ठीक है, जो कन्वेंशनल कम्बस्टेबल सिगरेट है वो तो उसके बारे में तो आप जानते होंगे, जो टोबैको फील्ड जो कम्बस्टेबल सिगरेट है वो तो आप डेली बेसिस पे देखते होंगे और मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होती है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो ई सिगरेट एक नया कॉन्सेप्ट है और ई सिगरेट के ऊपर पॉलिसी मेकिंग को लेकर यहाँ पे बात हो रही है। अब पॉलिसी मेकिंग के अंदर यहाँ पे स्ट्रेट अवे जो NCT दिल्ली के गवर्नमेंट ने यह कहा है कि वो ई सिगरेट को बैन करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ये पहली बार हो रहा है, इंडिया के अंदर ऑलरेडी जो कर्नाटका गवर्नमेंट एज वेल एज महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको बैन कर चुकी है, वहाँ पे जो है ई सिगरेट बेचना जो है वो इलीगल है। अब इसके जो है कुछ रीज़न है, इस बैन करने के पीछे रीज़न है और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके भी कुछ रीज़न है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है बैन करने के यहाँ पे रीज़न ये है, बैन क्यों करा जाना चाहिए? तो इसके चूंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है तो अभी जो है कम्प्लीटली पता नहीं है कि क्या इसके नेगेटिव हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट इसके क्या होते हैं या क्या नहीं होते। तो कुछ स्टडीज़ के अंदर ये पाया जाता है, ये देखा गया है कि इससे जो है जो ई सिगरेट को कंटिन्यूसली यूज़ करने से जो है कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस इससे प्रोड्यूस होता है। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया कि वो कैंसर उससे हो सकता है। अब यहाँ पे जो है ई सिगरेट का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है कि इसके अंदर कम्बशन नहीं होता, इसके अंदर एक बैटरी पावर्ड जो है ये सिगरेट होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि निकोटीन के एरोसोल जो है वो इनहेल किए जाते हैं। ठीक है, तो वो उससे जो है वो मतलब एक तरीके का आप ये कह सकते हो कि एडिक्शन, वो स्लो एडिक्शन इससे डेवलप होता है, और इसका जो डोज है वो कहा जाता है कि कम्बस्टेबल जो सिगरेट है निकोटीन से वो डोज काफ़ी कम होता है। तो ये तो इसका बेसिक फंडामेंटल हो गया। अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव साइड में ये कहा जा रहा है कि ये इसको अगर कम्बस्टेबल सिगरेट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर लाया जाए तो जो लार्ज स्केल पे प्रिविलेंट जो एडिक्शन है वो एक कम होगा, और दूसरा इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है वो सिगरेट का जो नया हार्मफुल इफेक्ट है वो डेफिनेटली लार्ज वो बड़े इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है एक सोशल, आप ये कह सकते हो कि सोशल इंटरवेंशन की बात हो रही है कि जहाँ पे जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर ये एंश्योर करना होगा कि क्या चीज़ फायदेमंद है। डेफिनेटली यहाँ पे जो चाहे ई सिगरेट हो चाहे कमर्शियल सिगरेट हो, ये बिल्कुल हानिकारक है।
अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन को, जो आप ये कह सकते हो कि एक कम डेंजरस ऑप्शन को ज्यादा डेंजरस ऑप्शन के जो है उससे उसे सब्स्टिट्यूट करने की यहाँ पे बात हो रही है, कि आप जो है इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पे अगर करेंगे तो जो डेंजर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओवरऑल बात हो रही है। तो इसकी डिटेल के अंदर यहाँ पे इसकी डिटेल लेते हैं कि ई सिगरेट जो है वो बेसिकली क्या होती है और कैसे इसका वर्कआउट होता है और इसके ऊपर क्या जो है इश्यूज खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो मेकअप यहाँ पे दिया गया है कि ई सिगरेट कैसे काम करती है, तो बेसिकली ये जो ई सिगरेट का इलेक्ट्रॉनिकली जो है बैटरी पावर्ड ये होती है, बैटरी पावर्ड ये होती है, और इसके अंदर जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से बनी होती है, ये यहाँ पे बैटरी यहाँ पे लगी होती है, और बैटरी के साथ में जो है यहाँ पे आप इसका जो माउथ पीस यहाँ पे लगेगा, और ये एक एलईडी है जो कि यहाँ पे बताएगी कि इस तरीके से आप इसका इनहेलेशन कर रहे हैं। तो ये जो है एक ये सिमुलेट करती है स्मोकिंग को, स्मोकिंग जो सिगरेट को जो है, जैसे आप सिगरेट का जो है वो इसको सिमुलेट करती है, और इसके अंदर बेसिकली जो है वो निकोटीन बेस्ड जो है वेपराइजर होता है, वो निकोटीन की वेपर जो है वो जनरेट करता है, और वो इनहेल करने से जो है वो एक स्मोकिंग का इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे दो तीन चीजें आपको यहाँ पे कैरी करनी है। पहली तो जो है यहाँ पे ई सिगरेट जो है ये नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके ऊपर ये एप्रिहेंशन लगाए जा रहे हैं कि इससे जो है एक ये फैशन बन के जो है ना उभरे, और इससे जो है जो युवा वर्ग है वो युवा वर्ग ज्यादा इसकी चपेट में आ जाएंगे, तो ये एक जो है ये इसका एप्रिहेंशन दिया गया है। दूसरा इसके ऊपर इश्यू ये भी रेज किया गया है कि हो सकता है कि ई सिगरेट से एक बार आदत पड़ने के बाद में जो है बंदा वो कमर्शियल सिगरेट की तरफ अग्रसर हो जाए, मतलब एडिक्शन उसका जो है परमानेंट एडिक्शन की तरफ आप जो है उसको ले जा रहे हो। तो ये किसी भी जो एक अगर जुडिशियस वे में और एथिकल परस्पेक्टिव में अगर देखा जाए पॉलिसी मेकिंग, तो एक कम जो है डेंजरस सब्सटेंस को एक ज्यादा डेंजरस सब्सटेंस से सब्सटीट्यूट करना एक सॉल्यूशन नहीं है। इसको डेफिनेटली आपको जो है एक नई तरीके से इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा कि जो सिगरेट का जो कंजप्शन है, जो युवा वर्ग के अंदर जो जो से जो से स्मोकिंग है, वो स्मोकिंग हैबिट को कैसे यहाँ पे कम किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप डेफिनेटली अपनी एक ओपिनियन डेवलप करें कि क्या इसके अंदर क्या वे आउट होना चाहिए, क्या पॉलिसी मेकिंग के अंदर। पहला तो जो है डेफिनेटली आपको डायरेक्टली जो है इस सिरे से आपको खारिज करना पड़ेगा कि स्मोकिंग इज बैड टू द हेल्थ, एंड इसको जो है कम्प्लीटली आपको डिस्करेज करना चाहिए। दूसरा, अगर जब कंपैरिजन की बात होती है जब ई सिगरेट और कम्बस्टेबल सिगरेट की, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जो अपना पर्सपेक्टिव के अंदर पॉइंट ये रख सकते हो कि ई सिगरेट क्योंकि अभी एक नैसेंट टेक्नोलॉजी है, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसके ऊपर जो है लार्ज स्केल पे आपके पास डेटा नहीं है, और उस वजह से आप जो है डिसीजन मेकिंग आप इसकी नहीं कर सकते कि इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बात हो रही है आर्सेनिक की, ठीक है। तो आर्सेनिक से लेके हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर भी कई बार बात करी है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या होती है और आर्सेनिक पॉइजनिंग से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो आर्सेनिक पॉइजनिंग की जब भी बात होती है तो वेस्ट बंगाल से लार्जली, वेस्ट बंगाल हाईली अफेक्टेड इसके अंदर आपको मिलेगा। अब आर्सेनिक जो है एक हैवी मेटल है, एक हैवी मेटल है, ठीक है। अब इसकी पॉइजनिंग से आपको पता है कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इसे एक डिजीज होती है, ब्लैक फुट डिजीज को कहा जाता है, ब्लैक फुट डिजीज इसको कहा जाता है, ठीक है, आर्सेनिक पॉइजनिंग से। अब यहाँ पे क्या इस पर्टिकुलर जो है रिसर्च आर्टिकल का जो एब्स्ट्रैक्ट है इसके अंदर जो है उसके इसके उल्टे बात हुई है कि यहाँ अभी तक तो हम ये जानते आए थे कि आर्सेनिक का जो है पॉइजनिंग, आर्सेनिक कंजप्शन जो है हेल्थ के लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर ये बात हुई है कि आर्सेनिक का कंजप्शन है जिसके अंदर अगर आर्सेनिक ATO, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, यहाँ पे बात हो रही है कि आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड अगर कंज्यूम किया जाए, और आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड खासकर यहाँ पे जो है यूएस के जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने 1995 के अंदर यहाँ पे इन्होंने अप्रूव किया था ATO को, जो इसके अंदर ये कंटेंट जो है वो फूड एंड ड्रग्स के अंदर इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि एक ड्रग यहाँ पे एट्रा करके एक ड्रग आती है जिसका जो है यहाँ पे नाम है ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, ठीक है, एट्रा, इसके अंदर जो है ATO पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए लर्निंग यह है कि यहाँ पे ये यह कहा गया है कि ये पर्टिकुलर ड्रग जो है वो कैंसर सेल्स को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट करती है,
ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये इसको जो है नेगेटिवली जो है हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट में आप जो देख रहे हो वो सही नहीं है, और ये रिसर्च काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर ये कहा है कि आर्सेनिक आर्सेनिक का जब आप जो कंजप्शन है वो आर्सेनिक ऑक्साइड की फॉर्म में, ये कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है, कैंसरस सेल का जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट कर सकता है। तो ये बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ये बिल्कुल आपको यहाँ पे कैरी करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एक तो जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या है, आर्सेनिक पॉइजनिंग जो कि सिंपल टर्म्स में कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, और इसका पॉजिटिव आस्पेक्ट भी आपको कैरी करना है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में आपको पूछ ले तो इसके अंदर आप हमेशा ये कहोगे कि आर्सेनिक हमेशा जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता हेल्थ के अंदर, अगर आर्सेनिक ऑक्साइड फॉर्म के अंदर लिया जाए तो वो कैंसर को जो है प्रिवेंट कर सकता है, कैंसरस सेल को जो है ग्रोथ को वो रिटार्ड करता है, ये आपको यहाँ पे कैरी करना है। तो इसके अंदर थिंक एंड लर्न के अंदर आर्सेनिक पॉइजनिंग को जो है आप डिटेल के अंदर देखना कि आर्सेनिक पॉइजनिंग से क्या इम्पैक्ट इसके अंदर होता है, और क्या ये जो ब्लैक फूड डिजीज है वो क्या है, और इंडिया के अंदर कहाँ पे प्रिविलेंट है, और इंडिया के अंदर जो वेस्ट बंगाल के अंदर हमने कहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर ये लार्जली प्रिविलेंट है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर ही क्यों लार्जली प्रिविलेंट है, तो कभी मौका मिला तो इसको डिटेल के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट फैक्ट फाइल के अंदर हम बात करते हैं इल्बर्ट बिल की, कि इल्बर्ट बिल क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है, और ये आप ये कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, और इंडियन जो आप ये कह सकते हो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। 1883 की बात है, उस टाइम वॉयसराय थे लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन को जो है एक आप ये कह सकते हो कि एक प्रोग्रेसिव वॉयसराय के नाम पे से भी जाना जाता है। इन्होंने कुछ काफ़ी जो है अपनी पॉलिसीज जो है वो अच्छी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी थी, जिसके अंदर इनको जो फादर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी इनको कहा जाता है। जो म्यूनिसिपलिटीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जो है लॉर्ड रिपन ने दिया था, ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल कैरी करना है। हु एक्चुअली डिजायर टू एबोलिश द रेशियल प्रेजुडाइस फ्रॉम द इंडियन पिनल कोड। अब यहाँ पे जो है इल्बर्ट बिल के अंदर यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल ये था कि ये लॉर्ड रिपन ये चाहते थे कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ज्यूरी जो बैठती थी वो ज्यूरी के अंदर पहले ये होता था कि अगर किसी जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स के ऊपर अगर कोई केस हो गया तो ये था कि जो है उसको ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियन जज ही उसको इसकी सुनवाई कर सकते थे, पहला ये रूल था। इल्बर्ट बिल के थ्रू ये चेंजेस जो है यहाँ पर प्रपोज किया गया कि ब्रिटिशर्स अगर कन्विक्ट है क्रिमिनल केसेस के अंदर तो उसको उसका ट्रायल जो है वो इंडियन जज के सामने भी हो सकता है, तो ये एक प्रोग्रेसिव मेजर था, बट इसको जो है बड़ा ही क्रिटिसाइज किया गया। तो इस परस्पेक्टिव में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैरी करनी है। रिपन हैज प्रपोज एन अमेंडमेंट फॉर एग्जिस्टिंग लॉ इन द कंट्री एंड टू अलाउ इंडियन जजेस एंड मजिस्ट्रेट द ज्यूरिस्डिक्शन टू ट्राई ब्रिटिश ऑफेंडर इन क्रिमिनल केसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहाँ पे बात हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर जो ब्रिटिश ऑफेंडर है उनकी सुनवाई के लिए इंडियन जज और मजिस्ट्रेट को यहाँ पे परमिशन पहले नहीं थी, वो इस बिल के इल्बर्ट बिल के थ्रू यहाँ पे देने की बात हो रही है। द अमेंडमेंट बिल हैड द प्रोविजन दैट द यूरोपियन वुड बी कन्फर्ड ऑन यूरोपियन एंड इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सेशन जजेस अलाइक, हाउएवर ए डिफेंडेंट वुड इन ऑल केसेस हैव द राइट टू क्लेम ट्रायल बाय ए ज्यूरी ऑफ विच एटलीस्ट हाफ द मेंबर मस्ट बी यूरोपियन। ठीक है, इसके अंदर यह है कि इसके अलावा जो है उसके पास जो है ऑफेंडर है उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो जो सुनवाई के तौर पे जो है ज्यूरी की डिमांड कर सकता है, और ज्यूरी के अंदर जो है 50% यूरोपियन रहेंगे और 50% इंडियन जो है वो रहेंगे, तो ये यहाँ पे प्रोविजन था। दस द इनेक्टमेंट हेल्ड दैट द यूरोपियन क्रिमिनल्स वुड बी हियर्ड ओनली बाय द इंडियन जजेस हेल्ड बाय द यूरोपियन जजेस। तो यहाँ पे जो है ये इनेक्टमेंट जो है लार्ज स्केल पे क्या हुआ कि जो बिल है इसको यूरोपियन ने बड़ा ही नेगेटिव वे में लिया, और इल्बर्ट बिल को जो है यहाँ पे ध्यान रखना कि इल्बर्ट बिल को कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इसको लागू नहीं किया गया था, ओरिजिनल फॉर्म में इसको लागू नहीं किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि लॉर्ड रिपन के टाइम के अंदर ये इल्बर्ट बिल आया था, और इल्बर्ट बिल के अंदर इसको हिंदी में भी इल्बर्ट बिल ही कहते हैं, ठीक है, ये एक जो है उस टाइम एक कमेटी बनी थी इल्बर्ट कमेटी, और इल्बर्ट कमेटी ने ये प्रपोज किया था इल्बर्ट बिल लॉर्ड वॉयसराय रिपन के लिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इल्बर्ट बिल के अंदर खास बात ये थी कि यहाँ पे इंडियंस को यहाँ पे अधिकार दिया गया था, इंडियंस जो जजेस है और मजिस्ट्रेट को, कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर यूरोपियन ऑफेंडर है तो उनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे डेफिनेटली इसका अपोज तो होना ही था,
तो लॉर्ड रिपन के जो है आप ये कह सकते हो कि जो वॉइसरॉय शिप भी जो है इस वजह से जो है वो जाती रही और इनको बाद में हटा लिया गया। और इटबल बिल के अंदर बड़े मॉडिफिकेशन किए गए और मॉडिफिकेशन के बाद में जो ये प्रोविजन था कि इंडियन जो है हियरिंग कर सकते हैं उसको डाइल्यूट कर दिया गया। तो इनेक्टमेंट हेल्ड दैट द यूरोपियन क्रिमिनल वुड बी हियर्ड ओनली बाय द इंडियन जजेस हेल्प्ड बाय द यूरोपियन जजेस। तो ये प्रोविजन डाल दिया गया कि इंडियन जजेस जो है वो सुनवाई कर सकते हैं किस केस के अंदर, वो जो है वो यूरोपियन जजेस की जो है मदद के द्वारा। तो वहां पे जो है प्रेजेंस, आप ये कह सकते हो कि प्रेजेंस उन्होंने एंश्योर करी कि यूरोपियन जजेस की प्रेजेंस वहां पर रहे कोर्ट के अंदर जब कभी भी अगर यूरोपियन ऑफेंडर की सुनवाई हो। ठीक है, तो कितनी डायबोलिकल बात है, आप मतलब सोच के देखिए कि उस टाइम क्या स्थिति थी कि अगर यूरोपियन को इंडियन कोर्ट के अंदर ट्राई करना है तो उसके लिए आपको यूरोपियन या तो यूरोपियन जज होना चाहिए, अदरवाइज अगर इंडियन जज उसकी सुनवाई कर रहा है तो यूरोपियन जज की एडवाइस पे वो करेगा। मतलब ऑटोनॉमी जो है इस लेवल तक ऑटोनॉमी हमारी छीन ली गई। द पैसेज ऑफ बिल ओपन द आई ऑफ द इंडियंस एंड डीपन द एंटागोनिज्म बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस। ठीक है, तो इससे जो है आप ये कह सकते हो कि जो ब्रिटिश रूल के जो है ब्रिटिश रूल का ओवर द टाइम जो चेहरा वो सामने आने लगा कि जो है वो उनका जो है बेसिक बेसिक एम्बिशन क्या है। तो ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इल्बर्ट बिल का जो है वो क्या इम्पैक्ट हुआ। तो इम्पैक्ट क्या है, इससे जो है लोगों की आंखें खुली और जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में जो डिविजन है वो क्लियरली यहाँ पे देखने को मिला। द रिजल्ट वॉज वाइडर नेशनलिज्म एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया गया था, ये 1883 की बात है। तो यहाँ से ये फंडामेंटल चीजें आपको कैरी करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल पूछा जाता है, रेंडम तौर पर भी इसको ले लिया जाता है और इसको जो है रिलेट करके भी पूछा जाता है। फाइनल जो है क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू IIP। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में हमने बात करी थी, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो थिंक एंड लर्न के अंदर जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। तो थिंक एंड लर्न के अंदर आपको इसको एक बार देखना है और उसके बाद में ये जो है स्टेटमेंट देखना है। IIP इज कैलकुलेटेड मंथली बाई CSO। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड माइनिंग आर कंपोनेंट ऑफ IIP। द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग IIP इज जो है 2004 एंड 2005। करेक्ट आंसर इसको जो है सिलेक्ट करना है और आपको जो है डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है कि IIP के बारे में बेसिक फंडामेंटल डिटेल आपको कैरी करनी है। जब भी आप सेक्टर वाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो एक तो IIP के बारे में और एक कोर इंडस्ट्रीज के बारे में, इनके बारे में आप बिल्कुल जो है फंडामेंटल आपके स्ट्रांग होने चाहिए। कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है, IIP के अंदर कौन कौन से सेक्टर होते हैं, किस सेक्टर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, बेस ईयर क्या है और कौन इसको कैलकुलेट करता है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ई सिगरेट की हमने बात करी थी। देर इज ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रेगुलेशन इन प्लेस टू रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ई सिगरेट थ्रू आउट इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट डू नॉट कंटेन निकोटीन। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल स्टेटमेंट है, फंडामेंटल स्टेटमेंट ये है। पहला स्टेटमेंट तो जो है वो ज्यूरिस्डिक्शन से जुड़ी हुई बात है कि जो है आपको पता होगा कि जो अगर टोबैको है, टोबैको किसके ज्यूरिस्डिक्शन में आता है, सेंटर के ज्यूरिस्डिक्शन में आता है या स्टेट के ज्यूरिस्डिक्शन में आता है, इस उस कॉन्सेप्ट से जो है ये इस स्टेटमेंट को आप जज कर सकते हो कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है। और दूसरा जो है हमने डिस्कस कर लिया कि निकोटीन का इसके अंदर कैसे निकोटीन होता है या नहीं होता। ठीक है, तो इसको लेके डिटेल आपको जो है प्रोवाइड करनी है कमेंट बॉक्स में। फाइनली जो है डिटेल्ड क्वेश्चन, हाउ इल्बर्ट बिल बिकेम एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके लिए जो है आपको एक तो जो है इल्बर्ट बिल की कंप्लीट डिटेल चाहिए जो कि हमने डिस्कस करी है, उसके बाद में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये आपको रिलेट करना है, ये आपको कोरिलेट करना है। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ें, इल्बर्ट बिल को और डिटेल के अंदर पढ़ें और उसके बाद में इस आंसर को लिखने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में इसको लिखें। कल जो है इसको डिटेल के साथ में, कंप्लीट जो है एनालिसिस के साथ में, मॉडल आंसर के साथ में, मेरी ओपिनियन के साथ में इसको डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डेफिनेटली कमेंट करके बताएं सेशन के बारे में और जो आंसर्स है वो कमेंट करें। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।